डीजी नैब लाहौर की डिग्री जाली नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री दुरुस्त करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी नैब शहजाद सलीम की डिग्री के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। मजीद बात करेंगे राहिल सैयद से। राहिल बताइए, डिग्री दुरुस्त करार दी गई है? जी ताहिर, आज डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम जो है वो सुरखरू हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो जाली डिग्री का केस था वो निपटा दिया। इस हवाले से जो केस दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये इल्जाम लगाया गया था मुबीना तौर पर कि डीजी नैब लाहौर की जो डिग्री है वो जाली है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जब तहकीकत की, हायर एजुकेशन कमीशन ने अपना बयान उसमें रिकॉर्ड करवाया और उसमें कहा हायर एजुकेशन कमीशन की जानकारी तस्दीक की गई कि डीजी नैब लाहौर की जो डिग्री है वो सही है, और इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने ये दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है, क्योंकि ये एतराज उठाया जाता था डीजी नैब लाहौर की डिग्री पर, क्योंकि डिग्री जाली है और जाली डिग्री होने के बावजूद वो अहम सीट पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीजी नैब लाहौर जो है वो सुरखरू हो गए हैं और आज उनकी डिग्री जो है वो असल करार दे दी गई, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो दायर दरख्वास्त थी वो निपटा दी है। जी शुक्रिया राहिल सैयद।